जबकि इस दौर के अंदर अहले हक की आवाज नूं मुकम्मल तौर पर दबाया जा रहा है। ऐ मजहबी तकरीबात, ऐ जलसे, ऐ प्रोग्राम, ऐ मस्जिदां, ऐ मदरसे, शबे तारीख के अंदर एक सितारियां दी हैसियत रखते हैं। अल्लाह पाक इन्हां नूं आबाद और शाद रखे। थोड़ा उच्ची आमीन कह छोड़ो। दोस्तों, मुल्की हालात बहुत डिस्टर्ब ने। वतन अजीज के दुश्मन वतन नूं तोड़न दियां कोशिशां ने। मैं समझना कि जदों का इस्लाम दुनिया ते आया, लोगों ने इस चिराग और दीवे नूं बुझाण दियां बड़ियां कोशिशां कीतियां, और जदों का पाकिस्तान मार्जे वजूद च आया, पाकिस्तान नूं मिटाण वास्ते और तोड़न वास्ते बड़िया लोगों ने कोशिशां कीतियां ने और कर रहे हैं। मैं शरा सदर नाल कहना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम दुनिया ते गालिब होने वास्ते आया है और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे ते कायम रहने वास्ते है। खुदा उन्हां लोगों ने हमेशा बर्बाद करेगा कि जिन्होंने इस्लाम पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ साजिशा की थी। तुहानू मेरी गल समझ आ रही? मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, मैं एमरजेंसी आया। एमरजेंसी समझते हो? दो चार थोड़ी जी गल कर, सिर चुक के मेरी गल ध्यान नाल सुन लो। लेकिन हालात इस किस्म के ने, पंजाबी की एक मिसाल है। समझ आ रही थानू? पंजाबी सब नूं समझ आ रही? एक बंदे ने अपने घर च एक कट्टा रखिया सी ते एक बांदर रखिया सी। कट्टा जान दे किनू कहिंदे? ओए हिल छड़ो यार, मैं ते अज पहले रोटी खा बैठा, मैं ते कट हिलना ते तुसी नहीं खाधी ते तुसी थोड़ी हिम्मत करो। वो कहिंदे ने भी एक बंदे ने एक कट्टा भी घर रखिया सी ते बांदर भी रखिया सी। आप उन्हें एक खीर का पतीला पकाया, वो खीर पका के कार रख के ते आप बाहर चला गया काम ले भी। मैं शाम नूं आवांगा, मेरे आउन तक जरा कूल ठंडी हो, फिर मैं खाऊंगा। तो बांदर होवे तो उन्हें खलोत आवे? ये किवें मुमकिन? वो बांदर नूं दवे फेरियां खीर दे चार च फेरे भी मैं खुला ते खां। वो अपनी ट्राई च कामयाब होया मुख्तसर। उन्हें जाके खीर दे पतीले च मूंह रखिया, रज के खीर खाधी ते जिहड़ा आखरी चमचा सी ना खीर दा, वो एक पंजा बना के तो उन्हें कट्टे दे मूंह ते मल छड्डे। वो बंदा जदों वापस आया, उन्हें ना आ वेख्या ना ता वेख्या। आप बांदर साहब मुछा शुछा साफ करके खीर वाली जैकट ला के साइड ते चा रखी, वो कट्टे नूं पवाती, पवा के ते आराम नाल बैठ। उन्हें आके ते डंडा फड़ के ते कट्टे नूं कुटना शुरू कर दिया। हुण इहनूं कौन दसे भई कोई अकल तो कम लै, दानश तो कम लै? कट्टा जिहड़ा हुंदा ना कट्टा, उहदा उह पंजा ही नहीं हुंदा जिहड़ा बांदर दा। तेनू कौन समझाए? तेनू कौन दसे?
खीर सारी खा गया तेरी बांदर, ते तू डंडा पकड़ के ते कटे शरीफ दे दौड़े इन मारन दे। साडा हाल हो रहा है ओ, साडे नाल ओ सितम और जुलम हो रहा है। किसे दी महफल ते कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसे दे प्रोग्राम ते कोई पाबंदी नहीं, किसे दे प्रोग्राम नो कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। जिस जगह दे उते आलो सुन्नत वाल जमात साडे मकतबे फिकर दी कोई महफल होवे, कोई जलसा होवे, कोई प्रोग्राम होवे, उत्थे सब तो ज्यादा परेशानी पाई जांदी। भाई साडा वो कट्टे वाला हाल ना करो। अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला असी साडे अकाबरीन और सारे साडे लोग पाकिस्तान की सालमियत दे वास्ते जिथे तुहाडा पसीना गिरे असी अपना खून बहाने। और ये मास दावा नहीं, ये मास दावा नहीं, साड़ी ते कयामे पाकिस्तान तो पहले दी भी तारीख है कि साडे अकाबरीन ने कयामे पाकिस्तान दी खातर अपने मोढ़ियां ते हजारां लाशां चुकियां, और अज तहफ़्ज़े पाकिस्तान दी खातर बेहमद ही ताला ये सारे लोग अपनियां जानां दे नजराने पेश कर। तो बाहर कैफ खैर, इंतजामिया वाले लोग, पुलिस वाले लोग, उन्हां दी अपनियां जिम्मेदारियां ने, अपनियां ड्यूटियां ने। जिन्नी देर तक तुसी घर नहीं पहुंचना उन्हां बेचारियां नूं कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। हालात ऐसे ने, लेकिन इस अंधेरे के अंदर, इस जुलमत के अंदर हकायक नूं तलाश करन दी जरूरत है। और मैं तुहानूं भी रिक्वेस्ट करांगा, तुहानूं भी गुजारिश करांगा, ये साडी धरती है, साडा मुल्क है। कोई बंदा किसे गैर दा, किसे काफिर दा एजेंट बन के वतन अजीज नूं नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, ये जुलम है, ये ज्यादती है। अगर वतन है तो मस्जिद है, अगर वतन है मदरसा है, अगर वतन है मौलवी है, अगर वतन है सियासतदान है, अगर वतन है ब्यूरोक्रेसी है, अगर वतन है मिंबर है, अगर वतन है मेहराब है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैं इब्तिदा से गुजारिश की थी है कि बेहमद ही ताला सानू शरा सदर है, असी इस मुल्क दे वफादार हाँ। क्यों भी वफादार है हो कि नहीं, जेड़े है वो बोलो ना। वतन दी, इस्लाम दी इज्जत ते आबरू ते या पाकिस्तान दी नामूस ते कोई आंच आवे तुसी बर्दाश्त कर सकते हो? हर कुर्बानी देने लई तैयार हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो, रब कुर्बानी भी तुहाडी कबूल करता है। क्यों? जिदा कन कटिया होवे, जिदा नक डिंगा होवे, जिदी अख निकली होवे, जिहड़ा पैरो लूला ते लंगड़ा होवे, वो जानवर कुर्बानी लगता है? हौली बोलते हो तुसी सारे, किवें दे करदे हो जानवर हैं? दागी जानवर कुर्बानी लई कबूल नहीं हुंदा। हमेशा जिहड़ा साफ होवे, तंदुरुस्त होवे, ठीक होवे, दुरुस्त होवे, अल्लाह पाक उहदी कुर्बानी कबूल करदा है। साडी कुर्बानी किसे फिरके वास्ते नहीं, साडी कुर्बानी बेहमदे ही ताला इस्लाम वास्ते वे और पाकिस्तान वास्ते।